everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I'm back with another Amazon fashion haul. और इस बार तो काफी weird items मैंने order किए हैं because काफी time से मेरा मन था इन items को order करके try करने का कि कैसे दिखते हैं, वैसे आते हैं नहीं आते. तो आज की video में आपको answer मिल जाएगा if they are worth the hype and worth the money as well or not. So without any further ado, let's get started. उससे पहले आपको पता है आपको subscribe button पे hit करना है, bell icon पे hit करना है and bell icon पे hit करके all पे tick करने के बाद भी ना please बीच-बीच में आके जरा मुझे YouTube पर सर्च कर लिया करो बिकॉज आजकल YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा, मुझे नहीं पता आजकल क्या हो रहा है, पूरा एल्गोरिथम हिल चुका है. बेल आइकन हिट करने के बाद भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता और मैं रेगुलरली कंटेंट डाल रही हूँ, सो प्लीज़ बीच बीच में आके जरा चेक कर लिया करो. और इसके अलावा सबसे बेस्ट सोल्यूशन है फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जब भी मैं कोई अपडेट आती है, कोई भी न्यू वीडियो आती है, हमेशा मैं वहाँ पर लिंक डाल के आपको अपडेट दे देती हूँ, सो आपके लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल. सो स्टार्टिंग विद द फैशन कैटेगरी, सबसे पहले मैंने पिकअप किया है ये ब्यूटीफुल सा ऑफ वाइट कलर का ब्लाउज जो आई थिंक मस्ट हैव पीस है आपके वार्डरोब के अंदर बिकॉज ऐसे कलर का ब्लाउज सबके साथ जाने वाला है, ना सिर्फ आपकी साड़ीज के साथ, एट द सेम टाइम इस ब्लाउज की जो लुक है ना वो आप किसी भी घाघरे के साथ भी पहन सकते हो बिकॉज ये साड़ी वाली ब्लाउज की लुक नहीं दे रहा है. सो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है, बहुत प्यारा है, आप ऐसे कोनिकल ट्राइंगल ट्राइंगल वाला डिजाइन दिया हुआ है. सेम डिजाइन आपको बैक पर भी मिल जाता है. स्लीवलेस है लेकिन इसमें इन्होंने अंदर स्लीव अटैच करके दी हुई है, तो आपकी ऑप्शन है आपको स्लीव लगानी है नहीं लगानी. द ओनली कॉन इज द साइज. अब इन ब्लाउजेस में ना साइज नहीं आते हैं, मैंने एक और वेबसाइट से बहुत पहले ब्लाउज मंगवाया था उसमें भी यही इशू था, इनमें साइजेस नहीं आते हैं. सो ये कहते हैं कि इट फिट्स अप टू 36-38 प्लस इन्होंने अंदर मार्जिन भी अच्छा खासा दिया हुआ है, आप देख सकते हो. सो और कोई ब्रॉड होगा तो उसको भी इजीली आ जाएगा बट मेरे लिए ये काफी ज्यादा लूज है. मेरा बस साइज इज अराउंड 34 प्लस मेरी ब्रॉडनेस भी काफी कम है, मैं काफी पिटीट मेरी बॉय टाइप है तो मेरे ऊपर तो ये ऐसा लग रहा है कि मैंने मांग के किसी का पहना है. अब भी काफी ज्यादा ये बड़ा मेरे ऊपर है बट द गुड पार्ट इज ये इजिली ऑल्टर हो जाएगा. क्यों? बिकॉज इसमें जो क्लोजर और ओपनिंग का है ना वो फ्रंट में है, मतलब ये हुक्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इजीली मैं किसी भी टेलर से दोनों साइड से इसको टाइट करा सकती हूँ. जहाँ पर मार्जिन जा रहा है ना यहाँ से स्टिचिंग लग के टाइट हो जाएगा. अगर इस ब्लाउज में साइड पे कोई ओपन क्लोज हुक करने का होता है या फिर जिप होती तो प्रॉब्लम आती है बिकॉज जिप को हटा के फिर दोबारा उसको टाइट करके फिर वापस जिप को लगाना एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है हमारा. बट ओवरऑल आई थिंक इट्स नाइस. अगर ये ऑल्टर हो जाएगा ना तो ये काफी अच्छा लगेगा. इसमें कलर्स की भरमार है, आई कैन सी ब्लैक, आई कैन सी वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन, एक मस्टर्ड येलो कलर है, हॉट पिंक है, रेड है, इलेक्ट्रिक ब्लू है, रॉयल ब्लू है, तो डेफिनेटली आई थिंक 399 रुपीज के हिसाब से बुरा नहीं है. यू ऑल्सो नो आजकल ब्लाउज की स्टिचिंग कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर आपका 38 के अराउंड साइज है ना तो ये तो आपको बहुत ब्यूटीफुली आने वाला है. नेक्स्ट मैंने पिकअप किया है ये ब्यूटीफुल सा शॉर्ट कुर्ता. आपने अगर मेरा प्रीवियस से प्रीवियस अमेजोन हॉल देखा होगा जिसके अंदर मैंने आपको जवेरी पर्ल्स की ज्वेलरी दिखाई थी, उसके अंदर मैंने आपको एक शॉर्ट कुर्ता दिखाया था जो अभी मैं जब आगरा गई थी मैंने वो पहना था, रेड कलर का, आप लोगों को काफी पसंद आया था एंड पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा ये आइडिया बिकॉज लूज डेनिम्स के साथ ना शॉर्ट कुर्ते ज्यादा अच्छे लगते हैं, कन्वीनियंट भी रहता है, मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है. तो मैंने एक और शॉर्ट कुर्ता ऑर्डर किया जो दिखता है कुछ इस तरह से, अगेन वेरी वेरी प्रिटी, इतना बोहो सॉर्ट ऑफ वाइब है, एट द सेम टाइम काफी एस्थेटिक और सिंपल ये कुर्ता है, आप अपने ऑफिस में पहन सकते हो, कॉलेज में पहन के जा सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कुर्ता इज द डिजाइन. सो इसमें ना पेपलम सॉर्ट ऑफ एक डिजाइन है, यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे ये ढीला ढीला जा रहा है, यू कैन सी इन द वीडियो राइट हियर. तो इससे क्या है, मेरा जो भी ब्लोटिंग है ना, जो भी यहाँ पे टमी में फैट होता है, कभी कभी ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, वो ईजिली इससे हाइड हो रही है, ज्यादा उस पोर्शन को टाइट टाइट फील नहीं कराता, वो ईजिली कैमोफ्लेज हो जाती है, तो मुझे भी कंफर्टेबल फील होता है. इसके हैंड्स पर भी यहाँ पर भी बहुत प्रिटी ऐसे ही सेम फ्रिल फ्रिल वाला डिजाइन दिया हुआ है. बटन भी इसके बहुत सुंदर है, ऐसे वुड सॉर्ट ऑफ एक फील देते हैं लेकिन प्लास्टिक के बटन है. द ब्रांड इज किमायरा और मैंने इसमें साइज पिकअप किया है एस. एस एकदम मुझे परफेक्ट है, ना ज्यादा टाइट है ना ज्यादा ढील है. पहले मुझे पड़ा है 399 रुपीज का और इसमें साइजेस आपको इजिली मिल रहा है, एक्सएल 2XL तक का भी आपको इसमें साइज मिल रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली पिक इट अप. और इसका मटेरियल है प्योर कॉटन. नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम मेरा फेवरेट होने वाला है फ्रॉम अमेजॉन टिल नाउ, लिटरली सबसे बोवो येट वेरी वेरी कंफर्टेबल सूट सेट जो मैंने लिया होगा अमेजॉन से. सबसे पहले मिलता है इसमें ये क्रॉप टॉप जो दिखता है कुछ इस तरह से, ब्लू कलर का है, गोल्डन सॉर्ट ऑफ इसके ऊपर ऐसे लाइन जा रही है. साइड में आपको जिप मिलती है, जिप से बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है. और इसके साथ आपको मिलती है नीचे पैंट्स, एकदम एग्जैक्ट सेम मैचिंग कलर की आपको पैंट्स मिलती है फ्रंट में कुछ इस तरह से, पीछे आपको इलास्टिक मिलती है तो इलास्टिक से काफी अच्छा कंफर्ट आता है, आपको टाइट टाइट इसमें फील नहीं होता. नाउ ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ इसकी जो लेंथ
है ना वो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है. मैं काफी शॉर्ट हूँ, मेरी हाइट है 5'1" 5'2" के अराउंड आप लगा सकते हो. सो मेरे हिसाब से इसकी पैंट्स की लेंथ बहुत सुंदर आ रही है. अगर आपकी मेरे जैसी हाइट है तो ये अच्छी लगेगी. बहुत ज्यादा टॉल के ऊपर आई थिंक ये पैंट्स बहुत ज्यादा उठ के आएगी, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ. और ये इतनी ज्यादा हाई वेस्ट नहीं है, मतलब इसका जो एरिया है ये इतना ज्यादा नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल हाई वेस्ट करके नहीं पहन सकते. हल्का फुल्का पेट जो है वो विजिबल होगा, विच लुक्स नाइस. आई थिंक मुझे कंफर्टेबल फील होता है इसमें. और इसके साथ जो सबसे गेम चेंजिंग इसका पूरा जो लुक एकदम अपलिफ्ट कर देता है वो है इसकी जैकेट जो दिखती है कुछ इस तरह से. ग्रीन कलर की इतनी प्रिटी जैकेट है, उसके ऊपर सेम ऐसा पैटर्न सॉर्ट ऑफ एक जा रहा है. और फ्रंट की इसकी नेकलाइन मुझे बहुत सुंदर लगी, यू कैन सी इन द वीडियो. बहुत ग्रेसफुल ये सूट सेट लग रहा है. एंड इसके साथ आपको यहाँ पे डोरी भी मिलती है और उसके ऊपर ऐसे टैसल्स लगी हुई है जो काफी सुंदर लगती है. तो आप इसको खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, द चॉइस इज योर्स. ये सेट है फ्रॉम द ब्रांड जनस्या स्टोर और ये ब्रांड मुझे काफी टाइम से ट्राई करनी थी अमेजोन पर, बिकॉज इसके मैंने काफी अच्छे रिव्यू सुने हैं. आपने अगर मेरा प्रीवियस हॉल देखा होगा उसके अंदर मैंने पन स्टोर का एक सेट दिखाया था, इंडिया के मैंने आपको कपड़े दिखाए थे. तो ये 3-4 ऐसी ब्रांड्स हैं अमेजोन के ऊपर जो अच्छी डील्स पर भी आती हैं, एट द सेम टाइम क्वालिटी भी ऑफर करती हैं. एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड. इसका नाम है जनस्या वुमेन लाइट ग्रीन कॉटन फ्लेक्स क्रॉप टॉप विद प्लाजो जैकेट. ये मुझे पड़ी है 768 रुपीज की. इसकी एक्चुअल एमआरपी है 3800, मतलब 3800 का सूट सेट मुझे 768 में मिला है. साइज मैंने एस लिया है. बाय द वे डील इज ऑसम. आई थिंक 80% ऑफ में मुझे प्रॉपर एक सूट सेट मिल गया जो काफी अच्छा लगता है. आप इसको ऑफिस में पहन सकते हो, कॉलेज में पहन सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये काफी वर्सेटाइल पीस है, बिकॉज आप पैंट्स को ऐसे ही पहन सकते हो किसी भी अपनी टी के साथ, किसी भी अपने प्लेन कुर्ते के साथ. क्रॉप टॉप को भी आप डेनिम्स के साथ पहन सकते हो, बहुत प्रिटी लगेगी डेनिम के साथ भी. इनफैक्ट आप पैंट्स को डिच करके इसको विद डेनिम के साथ भी पहन सकते हो. मैंने बहुत पहले किसी और वेबसाइट से ऐसे ही सूट सेट लिया था, मैंने उसको ऐसे ही स्टाइल किया था. तो ऐसे जो सूट सेट होते हैं ना काफी वर्सेटाइल होते हैं, आप जितना पैसा लगाते हो ना आपका पूरा वसूल हो जाता है, बिकॉज आप इसको मल्टीपल वेज में पहन सकते हो. इसका मटेरियल बाय द वे प्योर कॉटन है, तो पहनने में भी काफी कंफर्टेबल है. सो दिस सूट सेट इज डेफिनेटली अ 10/10 फ्रॉम माई साइड. नेक्स्ट जो क्लोथिंग आइटम है उसको इस फ्रेम में फिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैं आपके लिए ट्राई करूंगी. और यही है वो बियर्ड आइटम जो मुझे काफी टाइम से ट्राई करना था. दिस इज बेसिकली एन अंडरस्कर्ट और ये काफी बड़ी है. मुझे नहीं समझ आ रहा मैं स्क्रीन पे आपको कैसे दिखाऊं, पर मैं आपको साइड में भी दिखा दूंगी. मैंने जब वीडियो बनाई थी इसको ट्राई किया था. सो ये बेसिकली है एक कैन कैन की स्कर्ट, कुछ ऐसे दिखती है वो, थोड़ा बहुत तो आपको विजिबल होगा. और नीचे ना इसमें यहाँ पे वो वायर सॉर्ट ऑफ दी हुई है, इसलिए जैसे ये खुला था ना यू कैन सी इट्स लाइक अ होल सर्कल. ये ऐसे पूरा ऐसे रैप होके आया, और जैसे ही मैंने इस पैकेट को घरा के खोला था ना ये ऐसे खुला था, लिटरली मेरे नोज पे आके खुल गया था. तो इसको स्टोर करना थोड़ा सा हैसल है. सो ये बेसिकली क्या है, ये कैन कैन की एक अंडरस्कर्ट है. अब काफी बार क्या होता है हम लहंगे ले लेते हैं, कुछ भी गाउन्स लेते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, वो फोटोज में तो बड़े सुंदर लगते हैं, एकदम ग्रैंड उसकी लुक आती है. और जब घर आके पहनते हैं ना तो इतनी फुदू लुक आती है, बिकॉज वो काफी फ्लैट फॉल होते हैं. और ऑब्वियसली वो आपको कैन कैन तो देंगे नहीं ना इतने सस्ते रेट में. सो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे ही कैन कैन स्कर्ट ले सकते हो. आप उसको अपने हर आउटफिट के नीचे पहन सकते हो. ये फ्रंट के एरिया में कुछ ऐसे आपको आएगी और नीचे आके पूरी ऐसी ये लुक देती है. मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास एक लॉन्ग स्कर्ट है, जोधपुरी जयपुरी जो स्कर्ट होती है, ये पहले कैसे लग रही है और फिर मैं इसको पहना. और इसको पहनने के बाद ना आपको लहंगे को ऊपर से डालना पड़ेगा, बिकॉज नीचे से आप इसको नहीं पहन सकते. सो ऊपर से आप लहंगा पहनोगे एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस. लिटरली अनदर लेवल पे ले गया था पूरे लहंगे को. सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक आप देख सकते हो एकदम ग्रैंड लुक दे दी इसने लहंगे को. बट मेन इसका इशू क्या है, जो नीचे वायर है ना वो काफी स्टिफ है, तो आप अगर बैठोगे तो वो इतना ज्यादा आपकी बॉडी की शेप नहीं लेने वाली, वो एकदम स्टिफ स्टिफ रहेगी. आप इसको पहन के ड्राइविंग नहीं कर सकते. आई थिंक आप इसको कार में पहनोगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज ये काफी जगह ले लेता है. सो द बेस्ट पार्ट इज आप इसको ऐसे फोल्ड करके रखो और आप कहीं वेन्यू पे जा रहे हो ना तो आप वहीं पे ही पहले इसको अंदर जाके चेंज कर लो, बिकॉज घर से अगर पहन के निकलोगे थोड़ा सा मुझे इसमें इशू लग रहा है. बट ओवरऑल आई थिंक आई रियली लाइक इट. मुझे आइडिया एकदम बढ़िया लगा. आप कोई भी फ्लैट लहंगा लो, कोई भी फ्लैट सा गाउन ले लो, अनारकली ले लो, उसके नीचे पहन लो और उसकी लुक को एकदम ये अलग ही लेवल पे अपलिफ्ट कर देता है. एंड प्राइस पॉइंट से मुझे काफी अच्छा लगा. मैं कैन कैन की स्कर्ट ना काफी टाइम से स्टिच कराना चाह रही थी, और अगर मैं ऐसा मटेरियल लेके आती, ये सब कुछ अगर ऐसा कुछ लगवाती, डेफिनेटली मेरा 1000-1500 से ऊपर खर्चा जाते ही जाता. और ये मुझे पड़ी है 899 रुपीज की अमेजोन से. ये ब्रांड है कोई इलेक्टोमेनिया वुमेन करके है. लिंक ऑब्वियसली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. बाय द वे ये फ्री साइज है, तो इसमें आपको साइजेस नहीं मिलेंगे. यही एक साइज है जो वन साइज फिट्स ऑल वाला सीन है. एंड स्ट्रेच करके मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इतना ही ये स्ट्रेच होता है. तो आई थिंक मीडियम और लार्ज को भी थोड़ा बहुत ये टाइट आएगा, लेकिन स्मॉल मीडियम को ये काफी इजीली आ जाएगा. लार्ज वाले भी इसको डेफिनेटली पहन सकते हैं. सो एक साइज का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया. एंड द ओनली थिंग इज अब मैं इसको स्टोर करके कैसे रखूँ, बिकॉज इसकी वायर काफी गहरी है यार. इसका मतलब ऐसा लगता है थोड़ी देर छोड़ा एंड जुप करके ऐसे मुंह के ऊपर आ जाता है ये. सो या
It's like a whole human sitting around here. But definitely, if you want looks good, then you have to work a little bit. Next is a hairstyling tool which I wanted to try for a long time. And now it's a perfect time because it's cold. And now I have to dry my hair. If I go out with dry hair, then I'll get cold. And what happens a lot, you do blow drying too. Do one hand blow drying and one hand with a comb. We want to straight your hair. Both don't work, they can do it professionally. In the salon, they don't work themselves. So an innovation has come in the market. Its name is Blow Brush. Basically, I have taken Alan Truman. Those who follow me on YouTube first, they know my love for Alan Truman. And now, on Amazon sale, when I saw this such a big deal, I took it and closed the door. So this looks like this is a huge body. By the way, I have used it. So you will see your hair in the video. I am going to show you when I used it first time. I have washed my hair directly with microfibers. I have removed my hair with a little bit of excess water. I have started directly using it. My hair is a lot of fuss. Obviously, your hair is dry and it's a little tangled up. So how do you use it? Your hair is dry. You have taken serum. You have applied the serum well on your hair. And take a wide tooth comb. Wood or normal wide tooth comb. It should not be narrow. But your hair will fall because at that time hair will fall. So I have separated it from your hair. After that, when I used it, then it worked very well. My hair has glided smoothly. It has dried from heat. At the same time, if you keep it in the heat mode, then the warm air will come from it. काफी अच्छा एक स्ट्रेटनिंग इफेक्ट आता है। I still remember एक बार मैं बहुत पहले सैलून में गई थी, वो मेरे साथ वाली चेयर में एक लेडी को एडवाइस दे रहे थे कि प्लीज डेली बेसिस पे प्रेसिंग मत किया करो, अगर आपको थोड़ी सी नीट लुक चाहिए ना, तो ब्लो ड्राइंग कर लो, ब्लो ड्राइंग और कोम को पकड़ के अपने बालों को स्ट्रेट करने की कोशिश करो, बिकॉज़ वो जो हवा होती है, इट इज़ मच मच बेटर देन प्रॉपर प्रेसिंग अपने बालों को दबाना हीट प्लेट्स के बीच में। सो उस हिसाब से मुझे सही लगा। अगर मॉर्निंग में लेट हो रहे हो, आपको ऑफिस जाना है, काम पर जाना है, बाल गीले हैं तो सूख भी जाएंगे, एट द सेम टाइम काफी अच्छी फ्रिज फ्री एक लुक भी आएगी, बिकॉज इसकी हीट से वो फ्रिज और एक स्ट्रेटनिंग वाला आपको इफेक्ट मिलेगा। थोड़ा सा बड़ा है बॉडी तो रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट ओवरऑल आई लाइक इट। नेक्स्ट मैंने अमेजोन से ली है ये चप्पल्स, एंड लिटरली ये मैंने ब्लाइंडली ली है बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू। मुझे काफी टाइम से ना क्रॉक्स एज अ ब्रांड ट्राई करनी थी कि इसकी क्या हाइप है, पीपल आर गोइंग गागा अबाउट इट। एंड अगर आपको बताओ ना, क्रॉक्स के जो सैंडल्स हैं, कोई भी इनके वो नॉर्मल वाले जो क्रॉक्स बड़े फेमस आते हैं, वो वाले सैंडल्स बड़े महंगे आते हैं यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या यार, इतने घर पे पहनने के लिए, थोड़ा बहुत कैजुअल पहनने के लिए मैं इतना पैसा थोड़ी लगाऊंगी। लेकिन अमेजोन पर मुझे काफी सही इसकी डील लगी, मुझे उसमें लगा कि चलो थोड़ा बहुत वर्थ द मनी हो जाएगा। सो दिस आर दे लुक लाइक। काफी कोल्हापुरी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट है, लेकिन ये काफी कंफर्टेबल रबड़ नहीं बोलूंगी, मतलब रबड़ सॉर्ट ऑफ मटेरियल, लेकिन ये काफी स्टिफ है, मतलब ये काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल फील होता है। This is how they look like, एकदम कोल्हापुरी sort of इसका एक look आता है, tan sort of ही color है। इसका जो color website पे लिखा था वो pure gold लिखा था, लेकिन इसका tan camel sort of एक color आता है। मैंने इसको पहना, मैंने थोड़ा सा चल के देखा है, मुझे comfortable लगी, मतलब पहन के feel होता है कि आप एक अच्छी quality के footwear पहन रहे हो। मेरे पैर में shoe bite नहीं हो रहा, मतलब दर्द नहीं कर रहे, चलने में मुझे काफी सही लगी। सो अगर आप ऑफिस जाते हो, कुर्ती एंड ऑल पहनते हो ना, आप कुछ कंफर्टेबल वेयर देखना चाहते हो, आई थिंक इट्स रियली नाइस। एक रबर की चप्पल की फील देता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में, और लुक वाइज भी इसकी मुझे ओवरऑल लुक अच्छी लगी। एथनिक के साथ ये काफी प्रिटी लगने वाला है, वो कुर्तियां होती है डेनिम्स, लाइक अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो उस सेंस में ये मुझे काफी सही लगी। और इसमें यहाँ पे आपको बेल्ट का बकल मिलता है, आप इसको भी फिटिंग कर सकते हो। लाइक मेरे पैर थोड़े से चपटे ज्यादा ना, तो मैंने इसको एक लेवल टाइट कर लिया था, और फिर मुझे इसकी फिट काफी सही आई थी। मुझे पड़ा है 935 रुपीज का, इसका एक्चुअल एमआरपी है 2995। लिटरली 3000 रुपए की चप्पल मैं कभी नहीं लेती, लेकिन 935 में मुझे फिर भी थोड़ी बहुत ही वर्थ लगी। अगर ये अच्छी खासी टाइम के लिए चल गई ना, देन आई कैन से इट इज worth every penny. And we are ending the haul with a jewellery item again from my favorite brand on Amazon, Jewels Galaxy. इसकी jewellery आप definitely check out करना Amazon पर, इतने सस्ते rate पे मिलती है ना, और quality भी इनकी अच्छी होती है। तो इनके सारे जो jewellery हैं, कुछ ऐसे packaging में आती है, और इस बार मैंने order किया है layered chain, जो two layer sort of chain है। अब आने वाली है winters, और winters का जो मेरा favorite style है ना, वो होती है कुछ भी high neck या फिर जो turtle neck sweaters होते हैं, वैसे वाले sweater, और उसके साथ मुझे ऐसे gold की chain, layer वाली chain पहनना काफी पसंद है। So this is how it looks like. नीचे आपको एक eye sort of pattern मिलता है, evil eye नहीं बोलूँगी, because evil eye में तो वो stone आता है ना, इसमें वो stone नहीं है, it's like a typical eye का एक pattern मिलता है जो काफी सुंदर लग रहा है। और ऊपर वाली chain में आप ऐसे star लगे हुए हैं, जो मुझे काफी pretty लगा। I think ये एकदम perfect है, जिसको ज़्यादा loud नहीं पहनना, जिसको बिल्कुल subtle नहीं पहनना ना, तो मुझे इसका beach का option एकदम सही लगा। By the way, इनकी जो दोनों chains होती हैं, वो attached होती हैं, तो आप इसको अलग-अलग नहीं पहन सकते, आपको ये as a set ही पहनना पड़ेगा। मेरे पास इनके काफी सारी jewellery हैं, मुझे अच्छी लगती है। अगर आप इसको संभाल के रखोगे, care इनकी अच्छी करोगे,
रखोगे इन्हीं के बॉक्स में रखोगे बिकॉज ये वेलवेट सॉर्ट ऑफ एक बेस होता है. सो इसी के बॉक्स में रखना, इनकी केयर अच्छे से करना, इसके ऊपर कोई भी सैनिटाइजर कोई भी परफ्यूम डियो मत मारना बिकॉज ऑब्वियसली वो प्योर वाली क्वालिटी नहीं है. 208 रुपये की पड़ी है मुझे, तो उस हिसाब से आपको इसकी केयर भी अच्छी करनी पड़ेगी. सो ये लंबे चल जाते हैं, फ्लिम्सी नहीं होते. इनकी चेन की मटेरियल मुझे अच्छी लगती है, सबसे ज़्यादा चेन लुक्स लाइक. डेफिनेटली आप मेरे विंटर फैशन में इसको देखने वाले हो. And that is it for my Amazon haul. इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस एक सिंगल लिंक में मिल जाएगा मेरे Amazon स्टोर का. वहाँ पर जाके आपको ये सारे प्रोडक्ट्स इजिली विजिबल होंगे. प्लीज़ जाकर मेरे प्रीवियस Amazon haul भी देखो. इस पूरे मंथ मैंने फेस्टिव एडिशन के Amazon haul बनाए हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे पिक्स दिखने वाले हैं उसके अंदर. आप देख सकते हो, आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो आपको एक फर्स्ट हैंड रिव्यू भी मिल जाएगा. डू लेट मी इन द कॉमेंट्स कि इन सारे आइटम्स में से सबसे अच्छा आइटम आपको कौन सा लगा, मुझे प्लीज़ बताना कॉमेंट सेक्शन में. ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज जब मैं इनको एक्चुअल में पहनूंगी ट्राई करूंगी, आपको उसके स्नैपशॉट उसकी इमेजेस इंस्टाग्राम पे दिखेंगे. ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत अमेजिंग सा गिव अवे चल रहा है, 3 विनर्स उसमें जीत सकते हैं अमेजिंग ब्रांड का एक गिव अवे हैम्पर. सो वहां पर जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.